सदा श्रीमत रूपी हाथ और शिव बाबा का साथ मजबूती से पकड़कर रखने वाली निश्चय बुद्धि आत्माओं को ओम शांति। आज के बाबा के साकार महावाक्य हैं 29 सितंबर 2020। आज बाबा ने सार रूप में बोला, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, कई बच्चे बाबा का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? तो उत्तर में बाबा ने दो बातें बताई। उसमें पहला है, बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि न होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फार करते दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, पदभ्रष्ट हो जाता है। दूसरा बताया, क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है, अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, तो भी पढ़ाई छूट जाती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अभी समझते हो कि हम सब बेहद के बाप के बच्चे हैं, इनको बाप दादा कहा जाता है। जैसे तुम रूहानी बच्चे हो, वैसे यह ब्रह्मा बाबा भी रूहानी बच्चा है शिव बाबा का। शिव बाबा को रथ तो ज़रूर चाहिए ना, इसलिए जैसे तुम आत्माओं को ऑर्गन्स मिले हुए हैं कर्म करने के लिए, वैसे शिव बाबा का भी यह रथ है, क्योंकि यह कर्म क्षेत्र है जहाँ कर्म करना होता है। यह है घर जहाँ आत्माएं रहती हैं। आत्मा ने जाना अर्थात पहचाना है, हमारा घर शांति धाम है, वहाँ यह खेल नहीं होता, बत्तियाँ आदि कुछ नहीं होती, सिर्फ आत्माएं रहती हैं। यहाँ आती है पार्ट बजाने, तुम्हारे बुद्धि में है यह बेहद का ड्रामा है। जो एक्टर्स हैं उन्हों की एक्ट शुरू से लेकर अंत तक तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं समझाते हैं, यहाँ हम बच्चे बेहद के बाप के पास बैठे हैं। अब हमको वापस जाना है, पवित्र तो ज़रूर बनना है आत्मा को, ऐसे नहीं कि शरीर भी यहाँ पवित्र बनना है, नहीं, आत्मा पवित्र बनती है। शरीर तो पवित्र तब बने जब 5 तत्व भी सतो प्रधान हो। अब तुम्हारी आत्मा पुरुषार्थ कर पावन बन रही है, वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं, यहाँ नहीं हो सकते। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ देती है, फिर नए तत्वों से नए शरीर बनते हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा बेहद के बाप को याद करती है वा नहीं करती है, यह तो हर एक को अपने से पूछना है। पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। पढ़ाई तो सहज है, समझ गए हैं कि चक्र कैसे फिरता है, मुख्य है ही याद की यात्रा। यह अंदर गुप्त है, देखने में थोड़े ही आता है। बाबा नहीं कह सकते कि यह बहुत याद करते हैं वा कम। हाँ, ज्ञान के लिए बता सकेंगे कि यह ज्ञान में बहुत तीखा है, याद का तो कुछ देखने में नहीं आता है। ज्ञान मुख से बोला जाता है, याद तो है अजपा। जाप अक्षर भक्ति मार्ग का है। जाप माना कोई का नाम नहीं जपना, यहाँ तो आत्मा को अपने बाप को याद करना है। तुम जानते हो हम बाबा को याद करते करते पवित्र बनते बनते मुक्ति धाम शांति धाम में जाकर पहुँचेंगे, ऐसे नहीं कि ड्रामा से मुक्त हो जाएंगे,
मुक्ति का अर्थ है दुख से मुक्त हो, शांति धाम जाई, फिर सुख धाम में आएंगे। पवित्र जो बनते हैं वह सुख भोगते हैं, अपवित्र मनुष्य उन्हों की खिदमत करते हैं। पवित्र की महिमा है, इसमें ही मेहनत है। आंखें बड़ा धोखा देती हैं, गिर पड़ते हैं, नीचे ऊपर तो सबको होना पड़ता है, गृहचारी सबको लगती है। मल बाबा कहते हैं, बच्चे भी समझा सकते हैं। फिर कहते हैं माता गुरु चाहिए, क्योंकि अब माता गुरु का सिस्टम चलता है। आगे तो पिताओं का था, अभी पहले पहले कलश माताओं को मिलता है। माताएं मेजोरिटी में हैं, कुमारियां राखी बांधती हैं पवित्रता के लिए। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु हैं, इस पर जीत पहनो। रक्षाबंधन पवित्रता की निशानी है, वो लोग राखी बांधते हैं, पवित्र तो बनते नहीं हैं। वह सब है आर्टिफिशियल राखी, कोई पावन बनाने वाले नहीं हैं। इसमें तो ज्ञान चाहिए। अभी तुम राखी बांधते हो, अर्थ भी समझते हो, यह प्रतिज्ञा कराते हैं। जैसे सिख लोगों को कंगन निशानी देते हैं पवित्रता की, परंतु पवित्र तो बनते नहीं। पतित को पावन बनाने वाला सर्व का सद्गति दाता एक बाप है, वह भी देहधारी नहीं है। पानी की गंगा तो इन आँखों से देखने में आती है। बाप जो सद्गति दाता है उनको इन आँखों से नहीं देखा जाता। आत्मा को कोई देख नहीं सकते कि वह क्या चीज़ है। कहते भी हैं हमारे शरीर में आत्मा है, उनको देखा है, कहेंगे नहीं। और सब चीज़ें जिसका नाम है वह देखने में ज़रूर आती हैं। आत्मा का भी नाम तो है। कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, परंतु देखने में नहीं आते हैं। परमात्मा को भी याद करते हैं, देखने में कुछ नहीं आएगा। लक्ष्मी नारायण को देखा जाता है इन आँखों से। लिंग की भल पूजा करते हैं, परंतु वह कोई यथार्थ रीति तो नहीं है ना। देखते हुए भी जानते नहीं परमात्मा क्या है, यह कोई नहीं जान सकते। आत्मा तो बहुत छोटी बिंदी है, देखने में नहीं आती है। न आत्मा को न परमात्मा को देखा जा सकता है। हाँ, जाना जा सकता है। अभी तुम जानते हो हमारा बाबा आया हुआ है इनमें, ब्रह्मा बाबा में। इस शरीर की अपनी आत्मा भी है, फिर परम पिता परमात्मा कहते हैं। मैं इनके रथ पर विराजमान हूँ, इसलिए बाप दादा कहते हो। अब दादा को अर्थात ब्रह्मा बाबा को इन आँखों से देखते हो, बाप को अर्थात शिव बाबा को नहीं देखते हो। जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है, वह इस शरीर द्वारा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, निराकार रास्ता कैसे बताएंगे। प्रेरणा से तो कोई काम नहीं होता। भगवान आते हैं यह किसी को भी पता नहीं है। शिव जयंती भी मनाते हैं तो ज़रूर यहाँ आता होगा ना। तुम जानते हो वह हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा इसमें आकर पढ़ाते हैं। बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण, निश्चय बुद्धि न होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी पार्कती दे देते हैं। माया बिल्कुल ही अंधा बना देती है। बाबा का बनकर फिर छोड़ देते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। अब तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है तो औरों को भी देना है। ऋषि मुनि आदि सब नेते करते गए, आगे तुम भी जानते नहीं थे। अभी तुम कहेंगे हाँ हम जानते हैं और आस्तिक हो गए। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है
यह भी तुम जानते हो। सारी दुनिया और तुम खुद इस पढ़ाई के पहले नास्तिक थे। अब बाप ने समझाया है तो तुम कहते हो हमको परमपिता परमात्मा बाप ने समझाया है, आस्तिक बनाया है। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। बाप है रचता, बाप ही संगम पर आकर नई दुनिया की स्थापना भी करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश भी करते हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई है। जिसके लिए समझते हैं उस समय कृष्ण था, अभी तुम समझते हो निराकार बाप था, उनको देखा नहीं जाता है। कृष्ण का तो चित्र है, देखा जाता है, शिव को देख नहीं सकते। कृष्ण तो है सतयुग का प्रिंस, वही फीचर्स फिर हो न सके। कृष्ण कब कैसे आया यह भी कोई नहीं जानते। कृष्ण को कंस की जेल में दिखाते हैं, कंस सतयुग में था क्या? यह हो कैसे सकता? कंस असुर को कहा जाता है। इस समय सारी आसुरी संप्रदाय है ना, एक दो को मारते काटते रहते हैं। देवी दुनिया थी यह भूल गए हैं। ईश्वरीय देवी दुनिया ईश्वर ने स्थापन की, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अभी तुम हो ईश्वरीय परिवार, फिर वहाँ होंगे सतयुग में देवी परिवार। इस समय ईश्वर तुमको लायक बना रहे हैं स्वर्ग का देवी देवता बनाने। बाप पढ़ा रहे हैं, इस संगम युग को कोई भी नहीं जानते। कोई भी शास्त्र में इस पुरुषोत्तम संगम युग की बात नहीं है। पुरुषोत्तम युग अर्थात जहाँ पुरुषोत्तम बनना होता है, सतयुग को कहेंगे पुरुषोत्तम युग। इस समय तो मनुष्य पुरुषोत्तम नहीं है, इनको तो कनिष्ठ तमोप्रधान कहेंगे। यह सब बातें सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं समझ सकते। बाप कहते हैं यह आसुरी भ्रष्टाचारी दुनिया है, सतयुग में ऐसा कोई वातावरण नहीं होता। वह थी श्रेष्ठाचारी दुनिया, उन्होंने के चित्र हैं बरोबर। यह श्रेष्ठाचारी दुनिया के मालिक थे लक्ष्मी नारायण। भारत के राजाए होकर गए हैं जो पूजे जाते हैं, पूज्य पवित्र थे जो फिर पुजारी बने हैं। पुजारी भक्ति मार्ग को पूज्य ज्ञान मार्ग को कहा जाता है। पूज्य सो पुजारी, पुजारी फिर पूज्य कैसे बनते हैं यह भी तुम जानते हो। इस दुनिया में पूज्य एक भी हो नहीं सकते, पूज्य परम पिता परमात्मा और देवताओं को ही कहा जाता है। परम पिता परमात्मा है सबका पूज्य, सब धर्म वाले उनकी पूजा करते हैं। ऐसे बाप का जन्म यहाँ अर्थात भारत में गाया जाता है, शिव जयंती भी यहाँ है ना। परंतु मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं कि उनका जन्म भारत में होता है। आजकल तो शिव जयंती की होलीडे भी नहीं करते। जयंती मनाओ न मनाओ तुम्हारी मर्जी, ऑफिशियल होलीडे नहीं है। जो शिव जयंती को नहीं मानते हैं वह तो अपने काम पर चले जाते हैं। धर्म बहुत है ना, सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, वहाँ यह वातावरण ही नहीं। सतयुग है ही नई दुनिया एक धर्म, वहाँ यह पता नहीं पड़ता कि हमारे पीछे चंद्रवंशी राज्य होगा। तुम जानते हो यह पास्ट हो गया। सतयुग में तुम होंगे वहाँ किस पास्ट को याद करेंगे? पास्ट तो हुआ कलयुग, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाने से क्या फायदा। यहाँ तुम जानते हो संगम पर हम बाप के पास बैठे हैं। बाबा टीचर भी हैं, सतगुरु भी हैं। बाप आए हैं सबकी सदगति करने, सभी आत्माओं को जरूर ले जाएंगे।
मनुष्य तो देह अभिमान में आकर कहते हैं सब मिट्टी में मिल जाना है, यह नहीं समझते आत्मा तो चली जाएंगी, बाकी यह शरीर मिट्टी के बने हुए हैं, यह पुराना शरीर खत्म हो जाता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाई लेते हैं। यह इस पुरानी दुनिया में हमारा अंतिम जन्म है। सब पतित हैं, सदैव पावन तो कोई रह नहीं सकते। सतो प्रधान सतो रजोतमो होते ही हैं। वो लोग तो कह देते सब ईश्वर के रूप हैं, ईश्वर ने अपने अनेक रूप बनाए हैं खेलपाल करने के लिए। हिसाब किताब कुछ नहीं जानते, न खेल पाल करने वाले को जानते। बाप ही बैठकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। खेल में हर एक का पार्ट अलग अलग है, सबका पोजीशन अलग अलग है। जो जैसा पोजीशन वाला होता है उनकी महिमा होती है। यह सब बातें बाप संगम पर ही समझाते हैं। सतयुग में फिर सतयुग का पार्ट चलेगा, वहाँ यह बातें नहीं होंगी। यहाँ तुमको सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरता रहता है। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। लक्ष्मी नारायण को थोड़े ही स्वदर्शन चक्र दिया जाता है, यह है यहाँ के मूल वतन में सिर्फ आत्माएं रहती हैं, सूक्ष्म वतन में कुछ नहीं। मनुष्य जानवर पशु पक्षी आदि सब यहाँ होते हैं। सतयुग में मोर आदि दिखाते हैं, ऐसे नहीं कि वहाँ मोर के पंख निकाल पहनते हैं। मोर को थोड़े ही दुख देंगे, ऐसे नहीं कि मोर का गिरा हुआ पंख ताज में लगाएंगे, नहीं, ताज में भी झूठी निशानी दे दी है। वहाँ सब खूबसूरत चीज होती हैं, गंदी कोई चीज़ का नाम निशान नहीं। ऐसे कोई चीज़ नहीं होती जिसको देखकर घृणा आए, यहाँ तो घृणा आती है ना। वहाँ जानवरों को भी दुख नहीं होता है। सतयुग कितना फर्स्ट क्लास होगा, नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। यहाँ तो पुरानी दुनिया में देखो बरसात के कारण मकान गिरते रहते हैं, मनुष्य मर जाते हैं, अर्थक्वेक होगी सब दबकर मर जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, फिर बाद में वृद्धि को पाते रहेंगे। पहले सूर्यवंशी होंगे, जब दुनिया 25% पुरानी होंगी तो पीछे चंद्रवंशी होंगे। सतयुग 1250 वर्ष हैं, वह है 100% नई दुनिया, जहाँ देवी देवताएं लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं। तुम्हारे में भी बहुत इन बातों को भूल जाते हैं। राजधानी तो स्थापन होनी ही है, हार्ट फेल नहीं होना है, पुरुषार्थ की बात है। बाप सभी बच्चों से एक समान तदवीर अर्थात पुरुषार्थ कराते हैं। तुम अपने लिए विश्व पर स्वर्ग की बादशाही स्थापन करते हो। अपने को देखना है हम क्या बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली में धारणा के लिए सार हैं, उसमें पहला है, इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में हार्ट फेल अर्थात दिल शिकस्त नहीं होना है। दूसरा है, इस बेहद के खेल में हर एक का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। जैसी जिसकी पोजीशन वैसे उसे मान मिलता है। यह सब राज समझ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है।
आज बाबा ने वरदान दिया, श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्वकल्याणी भव। वरदान का डिटेल है, बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्वकल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, यह अमानत में खयानत है। अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्वकल्याणी बनो। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। आज का स्लोगन है, सदा हर्षित वह रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते। अच्छा, ओम शांति।